हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते हैं अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो समर की मम्मी, दिमाग से इतनी बड़ी खिलाड़ी निकलोगे ये तो मुझे पता ही नहीं था। आप तो एकदम लड़के के घर तोड़ने में एक नंबर काम कर रहे हो। मतलब इतना अच्छा शर्त बेटे के सामने रखा, शर्त क्या, मैं तो बोलूँगी रिक्वेस्ट आपने किया है कि एक घर दे दो, एक कमरे का रूम दिलवा दो जहाँ मैं गुनगुन को लेकर अकेले रह सकूँ। अरे वाह, मतलब वहाँ पे समर का रोज़ ही आना जाना रहेगा, है कि नहीं? बहुत शातिर हो, बहुत शातिर। और यहाँ पे समर, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, वेरी गुड। तुमने जो आंसर दिया अपनी मम्मी को कि मेरे पास ऐसे उतने पैसे नहीं है, बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे गुनगुन मैडम मन में लड्डू फूट रहा है, बैठे बैठे समर की मम्मी के कंधे में बंदूक चला रही है और निशाना ले रही है। वाह वाह, अपने मुंह से नहीं बोलती कि अलग कहीं जाना है, वो तो अपने फ्लैट में ही रहने की रेडी है। बस समर ने एक चीज़ एकदम सही कहा, तुमको पहले समर का सहारा चाहिए और उसके बाद ध्रुव का सहारा, मतलब तुमको किसी मर्द का सहारा चाहिए। एकदम सही कहा समर ने, तुमको समर नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा गुनगुन? समर के बाद तो हम हैं लाइन में तुमको पहचानने के लिए, है कि नहीं? जो हम इतने दिन से बोल रहे थे कि तुमको सिर्फ लड़कों का सहारा चाहिए, वो चीज़ समर अपने मुँह से फ्रेंड्स बोल ही दिया। तो एनीवेज, यहाँ समर की मम्मी की शातिरगिरी चलेगी कि नहीं ये तो हमें वक्त आने पर दिखेगा ही, क्योंकि समर ने तो अभी सीधा ना कर दिया है और कहा है कि तुम अपनी सास को घर से निकालो। और सही बात है गुनगुन, वो तुम्हारा फ्लैट है, तुम उस फ्लैट में रह रही हो, तुम्हारी सास से तुम्हारा नहीं पट रहा है। अपने हस्बैंड को लाइन में लाओ, अपने हस्बैंड को बोलाओ ध्रुव कहाँ है। ध्रुव तो अभी सीन में दिखता ही नहीं है। ध्रुव को बोलो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तुम सीधा बोलो ध्रुव को कि तुमने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है जब, तो तुम अपनी मम्मी को उसके घर भेजो। और यहाँ पे समर की मम्मी, आप जो बोल रही, मैं इसको लेके गांव कैसे जाऊँगी? तो गांव में क्या है, गांव में जाकर बोल दो कि समर की बीवी है, बच्चा होगा, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। उसको वहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है, समर काम करता है बाहर बाहर जा जाके, तो कौन देखेगा इस? वहाँ तो किसी को पता है नहीं कि राधिका बीवी है, सभी तो जानते हैं कि समर, और सभी क्या, सिर्फ आपके हस्बैंड ही जानते हैं कि गुनगुन ही बहू है। उसके बाद तो राधिका बहू है, ये चीज़ आपके हस्बैंड को ही पता है, और किसी को तो पता है नहीं। तो फिर इतना सबको बोलने की ज़रूरत ही क्या है, सब यही जानेंगे कि गुनगुन ही आपके बेटे की बीवी है और कोई है नहीं, सिर्फ आपके हस्बैंड को छोड़ के। और यहाँ तो आपको अपने हस्बैंड की चिंता है नहीं, इसलिए यहाँ पे उसको लेके अलग कमरे रहने के लिए आप रेडी हो। तो यहाँ पे तो गुनगुन की तो निकल ही पड़ी फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। और यहाँ पे तो मैं एक चीज़ गुनगुन को बोलना चाहूँगी कि अपने घर को बचाओ, समर की मम्मी के चक्कर में अपने इस घर को मत तोड़ दो। तुम्हारी सास अगर लाग खराब है, सास को अपने पति के पास भेजो अपने घर पर, तुम यहाँ ध्रुव के साथ रहो, क्योंकि ध्रुव तुम्हारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। लास्ट में देखा जाएगा ना, यहाँ की रही ना वहाँ की रही, समर की मम्मी का क्या है? मेरे को सब बुरा बोलते गाँव घिसक जाएगी और तुम यहीं पे अकेले रह जाओगी। इसलिए बोल रही हूँ गुनगुन, अभी भी दिमाग लड़ाओ, अभी भी समय है, ध्रुव के साथ रहो और ना ही समर की मम्मी को अपने गले लगा के रखो। तो चलिए, जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।